हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही होगी। मैं चंदन सर आप सबका बैंकपुर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और डेली करंट अफेयर्स के क्लासेस में आप सबका मोस्ट वेलकम है। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए एवरीवन। तो जहां तक हो सके इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने 28 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो हमारा पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, फोर्ब्स के रियल टाइम सूची में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इन द रियल टाइम लिस्ट ऑफ फोर्ब्स। तो आपको पता है फोर्ब्स जो है ये एक अमेरिका की एक मैगजीन है, ठीक है, जो अमीरों की सूची रिचेस्ट पर्सन के जो लिस्ट है उसको पब्लिश करती है, उसको उस लिस्ट में शामिल करती है। तो यहां पर कह रहा है कि फोर्ब्स ने जो अभी लेटेस्ट डेटा रिलीज किया है, लेटेस्ट लिस्ट जो जारी किया है, उसमें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली। तो फ्रांस की एक कंपनी है AVMH, LVMH जो है ये एक फ्रांस की एक कंपनी है, FMCG प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है LVMH। तो इस LVMH कंपनी के जो फाउंडर है एंड CEO है बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली, वो सबसे रिचेस्ट है। इनके पास करीबन $213.9 बिलियन है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे जो स्थान बनाए हैं अमीरों की सूची में वो शामिल है एलन मस्क जो टेस्ला के मालिक है, ये आपको याद रखना है। और थर्ड नंबर पे आपका जेफ बेजोस जो अमेजोन के फाउंडर है, और फोर्थ नंबर पे आपका लैरी एलिसन जो अमेरिका के एक बिजनेसमैन है फोर्थ नंबर पे। अगर हम गौतम अडानी जी की बात करें तो याद कीजिए आज से कुछ दिन पहले आप ये सुना करते थे कि जो गौतम अडानी जी है ये दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति है, दुनिया के सेकेंड रिचेस्ट पर्सन है, लेकिन आज गौतम अडानी जी पूरी दुनिया में सेवेंथ नंबर पोजिशन पर आ गए हैं। देखिए सेवेंथ नंबर पोजिशन पर आ गए हैं, ठीक है। कारण क्या है, इनका न्यूज अभी लेटेस्ट चल रहा है, अभी न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे या न्यूज अगर आप देखते होंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज, तो आपको देखिएगा एक न्यूज इनके बारे में सुनने को आ रहा है कि इनका जो स्टॉक मार्केट है, इनका जो ये जो कंपनी है एलन मस्क सॉरी मतलब जो गौतम अडानी जी की जो कंपनी है अडानी ग्रुप, इनका जो शेयर है उसमें कुछ फ्रॉड हुआ, कुछ फिनेंशियल फ्रॉड पाया गया है, कुछ धोखाधड़ी हुआ है ना इनके स्टॉक्स में, इनके शेयर में, जिसके वजह से जब मार्केट में इसकी खलबली फैली, मार्केट में न्यूज पहुंचा, क्योंकि शेयर मार्केट तो सेंसिटिव होता है, जहां भी कोई कंपनी के रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज आता है, किसी भी कंपनी से रिलेटेड अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आता है तो तुरंत शेयर मार्केट ऊपर चला जाता है, उस कंपनी का शेयर की वैल्यू ऊपर चली जाती है, और जहां किसी कंपनी से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज आता है तो तुरंत उस कंपनी का शेयर मार्केट डाउन हो जाता है, शेयर की वैल्यू डाउन हो जाती है, उस कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन डाउन हो जाता है। तो अभी कुछ दिनों से ये न्यूज चल रहा है कि जो गौतम अडानी जी की जो अडानी ग्रुप कंपनी है उसका जो शेयर मार्केट है, उसका जो स्टॉक वैल्यू है, उसमें कुछ शेयर में कुछ फ्रॉड पाया गया, कुछ फिनेंशियल फ्रॉड पाया गया है, कुछ धोखाधड़ी हुआ है उनके स्टॉक मार्केट में, जिसके वजह से जो गौतम अडानी जी का जो कंपनी का शेयर है वो बहुत तेजी से गिरा है, करीबन $48 बिलियन के आसपास इनकी एसेट्स की वैल्यू जो है वो गिर चुकी है, इनका शेयर वैल्यू गिरा है, और $96.6 बिलियन के साथ जो है वो गौतम अडानी जी ये दुनिया के सेवेंथ रिचेस्ट पर्सन में शामिल हुए हैं, जो पहले सेकेंड रिचेस्ट पर्सन कहलाते थे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ओके। चलिए तो बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। पद्म विभूषण 2023 में इनमें से किसे सम्मानित नहीं किया गया? तो आपको पता है रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर ईच एंड एवरी ईयर ये नाम अनाउंसमेंट होता है कि किसे पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाएगा, किसे पद्म भूषण अवार्ड दिया जाएगा और किसे पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा, इसकी घोषणा हर साल रिपब्लिक डे पर होती है। तो यही कह रहा है कि पद्म विभूषण जो 2023 में, इनमें से किसे पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया, बताइए पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित इन चार में से किस पर्सन को सम्मानित नहीं किया गया? मुलायम सिंह यादव जी को, जाकिर हुसैन जी को, दिलीप महालनोबिस को या सुधा मूर्ति जी को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सुधा मूर्ति। तो कल 2 बजे वाला क्लासेस आप लोग किए होंगे, मुझे उम्मीद है कल हमने एक क्लास लिया था पद्मा अवार्ड 2023 का, जो लोग इसका वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर देख लीजिए, कल दोपहर को 2 बजे हमने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ MCQ क्वेश्चन के साथ हमने आपको पद्मा अवार्ड पूरा पढ़ाया था कि कौन कौन से पर्सन को पद्मा अवार्ड दिया गया, किसे पद्म भूषण अवार्ड दिया गया और किसे पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो ये मैंने कल आपको डिटेल में पढ़ाया था। चलो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। देखिए हमारे इंडिया के
टॉप हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन कौन से हैं? तो हमारे भारत के चार सबसे बड़े जो नागरिक सम्मान है वो कौन कौन है? सबसे एक नंबर पे आता है भारत रत्न, ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इसे कहते हैं। इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न, और सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है पद्म विभूषण, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है पद्म भूषण, और फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है पद्म श्री। ठीक है, तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, इन तीनों को हम पद्मा अवार्ड कहते हैं, इन तीनों को हम पद्मा अवार्ड कहते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, इन तीनों को मिलाकर कहलाता है पद्मा अवार्ड। और ये पद्म पुरस्कार से भी, पद्मा अवार्ड से भी ऊपर होते हैं भारत रत्न, जो इस बार किसी को भी नहीं दिया गया, ना तो 2022 में किसी को दिया गया था और ना ही 2023 के रिपब्लिक डे पर किसी को भारत रत्न दिया गया। लेकिन हाँ, पद्म विभूषण दिया गया है इस बार 6 लोगों को, और पद्म भूषण दिया गया है 9 कैंडिडेट्स को, 9 लोगों को, और पद्म श्री दिया गया है 91 लोगों को, यानी कि टोटल 106 लोगों को पद्मा अवार्ड दिया गया है। ठीक है ना, तो पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 9 लोगों को दिया गया, और पद्म श्री 91 लोगों को दिया गया, जिसमें से अगर हम बात करें मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद किनको दिया गया पद्मा अवार्ड, कितने लोगों को, तो 7 ऐसे लोग हैं जिनको मरने के बाद पोस्टह्यूमसली उनको दिया गया है, याद रखिएगा। और 19 ऐसी महिलाएं हैं जिनको पद्मा अवार्ड दिया गया है, ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो आप देख लो, पद्म विभूषण किसे दिया गया, तो 6 कैंडिडेट को पद्म विभूषण दिया गया है, 6 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। जैसे नंबर 1 पे है श्री बालाकृष्णन दोषी, जो आर्किटेक्चर से बिलोंग करते थे, है ना। दूसरा पे है जाकिर हुसैन, जो तबला बजाते हैं, ठीक है। थर्ड पे है आपका श्री एस एम कृष्णा, जो पब्लिक अफेयर्स कर्नाटक के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, मनमोहन सिंह की सरकार में ये फॉरेन मिनिस्टर भी रहे थे, श्री एस एम कृष्णा, इनको भी दिया गया है। फोर्थ नंबर पे है श्री दिलीप महालनोबिस, इनको मरणोपरांत दिया गया है। ये जो ओआरएस घोल आता है, ओआरएस घोल, उनके ये फाउंडर है, उनके ये चेयरमैन है श्री दिलीप महालनोबिस, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, पोस्टह्यूमसली दिया गया है। उसके बाद श्री श्रीनिवास वर्धन, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में दिया गया है पद्म विभूषण अवार्ड। और फाइनली श्री मुलायम सिंह यादव, जो उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और जो है आपका पब्लिक अफेयर्स के मामले में इनको दिया गया, श्री मुलायम सिंह यादव जी को, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो ये 6 ऐसे पर्सनालिटीज है जिनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है। तो ये 6 लोगों को अपने नजर में रखना है ना। और ये देखिए, इन लोगों को पद्मा अवार्ड दिया है, पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो पद्म भूषण इन 9 लोगों को दिया गया है। जैसे एक नंबर पे है श्री एस एल भरप्पा, थर्ड से उसके बाद है श्री कुमार मंगलम बिरला, उसके बाद है श्री दिलीप धर, सुश्री वाणी जयराम, श्री राम स्वामी चिन्ना जी आर, ठीक है, सुश्री सुमन कल्याणपुर, उसके बाद भी कपिल कपूर, सुश्री सुधा मूर्ति और कमलेश पी पटेल। ठीक है, तो इनको अलग अलग फील्ड में दिया गया है पद्म भूषण अवार्ड। ठीक है, तो ये पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया, और पद्म विभूषण जो पद्म भूषण है वो 9 लोगों को दिया गया। फिर से कहना चाहता हूं, पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया, और पद्म भूषण 9 लोगों को दिया गया है, और पद्म श्री 91 लोगों को दिया गया है। तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो पद्म विभूषण और पद्म भूषण से ही बनेंगे ज्यादातर। ठीक है, तो आपसे यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पद्म विभूषण इनमें से किसे नहीं दिया गया, तो मुलायम सिंह यादव को दिया ही गया। ठीक है ना, उसके बाद जाकिर हुसैन को भी दिया गया। ठीक है, और दिलीप महालनोबिस को दिया गया। ठीक है, तो ये सबको दिया गया है। मुलायम सिंह यादव को दिया गया, जो समाजवादी पार्टी के फाउंडर है। ठीक है, और जाकिर हुसैन को दिया गया, जो तबला वादक है, और दिलीप महालनोबिस उनको भी दिया गया मरणोपरांत ओआरएस के जो घोल है, जैसे पढ़ते ना ओरल, मतलब कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओआरएस का फुल फॉर्म, तो ओआरएस सॉल्यूशन जो है ना, ओआरएस के जो फाउंडर थे दिलीप महालनोबिस, उनको भी मरणोपरांत दिया गया। देखिए, पद्म विभूषण 3 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। पद्म विभूषण जो है, ये 3 ऐसे लोग हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है, पोस्ट ह्यूमिलियस दिया गया है। मरणोपरांत कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 3 कैंडिडेट को, ये आपको याद रखना है। जबकि पद्म भूषण जो है, पद्म विभूषण के बाद आपका पद्म भूषण आता है, तो पद्म भूषण 1 भी मरणोपरांत किसी भी लोगों को नहीं दिया गया है, सबको लाइव दिया गया है, जिंदा अवस्था में दिया गया है। समझ में आ गया बात को? केवल पद्म विभूषण 3 लोगों को दिया गया मरणोपरांत, ठीक है, और 3 लोगों को दिया गया लाइव, और पद्म भूषण किसी को भी मरणोपरांत नहीं दिया गया। तो इसी तरह के टेक्निकल्स क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। ओके,
चलो तो बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये कब मनाया गया? तो वेन वाज इंटरनेशनल कस्टम्स डे सेलिब्रेटेड? तो देखो कस्टम्स एक ड्यूटी होता है, एक टैक्स होता है। आपको पता है विदेशों से मतलब फॉरेन से जब हम कोई सामान इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो भारत की सरकार जो है उस पर टैक्स लगाती है, उसको हम लोग कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, ये कस्टम ड्यूटी हमारे देश की गवर्नमेंट लगाती है अगर कोई फॉरेन से कोई सामान इंडिया आ रहा है। जैसे चाइना से हम इलेक्ट्रॉनिक सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका से हम कोई इंजीनियरिंग सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, या कहीं से कोई हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, या कोई भी गुड्स एंड सर्विस जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उस पर भारत सरकार आयात किए हुए सामान पर टैक्स लगाती है, जिसको हम लोग कस्टम ड्यूटी कहते हैं, आयात शुल्क कहते हैं या सीमा शुल्क भी कहते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, इसके बारे में लोगों को बताने के लिए है ना, और इससे जुड़ी जितनी भी एजेंसियां हैं इनकी जो भूमिका है उनको याद करते हुए हर साल 26 जनवरी को यानी कि रिपब्लिक डे के दिन, ईच एंड एवरी ईयर रिपब्लिक डे के दिन ही सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल कस्टम डे। ओके, यानी कि 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे तो सेलिब्रेट करते ही है, साथ ही साथ 26 जनवरी को हम लोग ईच एंड एवरी ईयर इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाते हैं। और इस बार जो हमने इंटरनेशनल कस्टम डे जो सेलिब्रेट किया उसका थीम है, थोड़ा बड़ा है याद रखना पड़ेगा, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने मेंशन कर दिया है। वो थीम है अगली पीढ़ी को प्रोत्साहित करना, सीमा शुल्क में ज्ञान साझाकरण और पेशेवर गौरव की संस्कृति को बढ़ावा देना। तो नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, प्रोमोटिंग अ कल्चर ऑफ नॉलेज, शेयरिंग एंड प्रोफेशनल प्राइड इन कस्टम्स। तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो चलिए, बहुत दिन हो गया, हम लोग पूरे जनवरी महीने का करेंट अफेयर को हम लोग थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर, जनवरी महीने का जो इंपॉर्टेंट डेज है वो हम लोग थोड़ा क्विकली रिवाइज करते हैं, है ना। तो चलिए, एक जनवरी को हम लोग कौन सा डे मनाए थे, जब नए साल की शुरुआत हुई थी फर्स्ट जनवरी को, जब हैप्पी न्यू ईयर मना रहे थे, तो फर्स्ट जनवरी को दो डे हमने इंपॉर्टेंट मनाया, एक ग्लोबल फैमिली डे और एक डीआरडीओ का एस्टेब्लिशमेंट डे। डीआरडीओ का एस्टेब्लिशमेंट डे हमने सेलिब्रेट किया था, ठीक है। तो ग्लोबल फैमिली डे हमने फर्स्ट जनवरी को सेलिब्रेट किया और डीआरडीओ का भी हमने फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया फर्स्ट जनवरी को, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ब्रेल डे हमने 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया, 6 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड वार ऑर्फन डे, ठीक है, और 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया हमने एनआरआई डे, इस बार हमने 17th एडिशन का एनआरआई डे सेलिब्रेट किया, 10th जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड हिंदी डे, 11th जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, 12th जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया नेशनल यूथ डे, 14th जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया आर्म फोर्स वितरण्स डे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 14th को हमने के बाद हमने 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया इंडियन आर्मी डे, 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया नेशनल स्टार्टअप्स डे, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस हमने सेलिब्रेट किया सुभाष चंद्र बोस जी के बर्थ एनिवर्सरी पर, 24 जनवरी को हमने इंटरनेशनल एजुकेशन डे और प्लस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी हमने सेलिब्रेट किया, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस भी हमने सेलिब्रेट किया, 25 जनवरी को हमने सेलिब्रेट किया नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे राष्ट्रीय मतदाता दिवस, क्योंकि उस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 25 जनवरी 1950 को। और जो हमने नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया था उसका थीम याद रखिएगा, वोटिंग बेमिसाल है मैं अवश्य वोट देता हूं, ठीक है, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 25 जनवरी को जो हमने नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया है ना, उसका थीम था वोटिंग बेमिसाल है मैं अवश्य वोट देता हूं, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज के तरफ। हाल ही में किसने मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? तो हु वॉन द मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022? तो मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का जो खिताब है वो किसने जीता है, तो बताएं, तो उस किसने जीता है, आप लोग क्रिकेट में बहुत माहिर है, रेगुलर ये भी न्यूज में आ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा बेन स्टॉक। तो बेन स्टॉक जो है ये इंग्लैंड के एक टेस्ट कप्तान है, क्रिकेटर है, तो बेन स्टॉक को आईसीसी के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है, मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। अच्छा, इसी से रिलेटेड हम आपको एक और न्यूज बताते हैं। देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी को आप ध्यान से पढ़ो। ऑप्शन नंबर ए क्या लिखा हुआ है, तहलिया मैकग्रा, ये ऑस्ट्रेलिया की एक क्रिकेटर है, फीमेल है, ठीक है, क्या नाम है, तहलिया, ठीक है, मैकग्रा, तहलिया मैकग्रॉथ, ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है, और सूर्य कुमार यादव ये इंडियन क्रिकेटर है। इनसे रिलेटेड भी एक लेटेस्ट करेंट अफेयर बना था, ठीक है, कि अगर आपसे कोई पूछे, एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा कि आपका
वॉमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ठीक है, क्या कहा मैंने? वॉमेन्स, ठीक है, T20 इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए, ठीक है, ये सारे 2022 में जो बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं उसी के आधार पर ये डिसाइड होता है। तो वॉमेन्स के कैटेगरी में अगर देखा जाए तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वॉमेन्स कैटेगरी में T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये टाइटल किसे मिला है? तो ऑस्ट्रेलिया की ताहलिया मैग्रॉथ को, ताहलिया मैग्रॉथ को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर हम मेंस कैटेगरी में बात करें, मेंस कैटेगरी में, तो मेंस कैटेगरी में अगर हम बात करें कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये किसे चुना गया? तो इसका टाइटल मिला है सूर्य कुमार यादव को। सुपर इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अपकमिंग एग्जाम में, ठीक है, है ना। ये हर साल डिक्लेयर होता है आईसीसी के द्वारा कि कौन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेंस कैटेगरी में रहा, कौन वुमेन्स कैटेगरी में रहा, और बहुत सारे कैटेगरी है, अभी हम सबका नाम बताएंगे, ठीक है। उन सभी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग क्रिकेटर्स को टाइटल मिलता है, खिताब मिलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वुमेन्स कैटेगरी में T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का टाइटल किसे मिला, तो वो मिला है ऑस्ट्रेलिया की ताहलिया मैग्रॉथ को। और अगर मेंस में पूछा जाए कि मेंस कैटेगरी में आपका T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का टाइटल किसे मिला, तो सूर्य कुमार यादव जी को। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और जो बेन स्टॉक ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं, उनको मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला है। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला, इंग्लैंड के जो टेस्ट कप्तान है उनका नाम है बेन स्टॉक। और नेट साइवर, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, नेट साइवर, ये इंग्लैंड की है, ये फीमेल है, इंग्लैंड की क्रिकेटर है नेट साइवर, ये इंग्लैंड की ऑलराउंडर है, और इनको आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए, आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी जीती है, ठीक है। क्या कहा मैंने? इनको जो ये नेट साइवर जो है, ये इंग्लैंड की एक ऑलराउंडर क्रिकेटर है, इनको आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी जीती है। क्या कहा मैंने? राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी जीती है, ये आपको याद रखना। तो आइए थोड़ा सा हम कुछ टाइटल्स रिवाइज कर लें। देखिए इनको आप याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आईसीसी ने बहुत सारा अवार्ड दिया है अलग अलग क्रिकेटर को, अलग अलग कैटेगरी में, उनके बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर, लास्ट ईयर का 2022 के परफॉर्मेंस के आधार पर। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सर आपका गारफील्ड सॉबर ट्रॉफी, सर गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी जो है ये बाबर आजम को दिया गया, जो पाकिस्तान के क्रिकेटर है। उसके बाद देखिए राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी, ठीक है, तो वो दिया गया है आपका नेट सीवर को। देखिए यहां पर है ना, नेट सीवर जो मैंने आपको बताया, नेट साइवर, तो नेट साइवर को दिया गया, जो इंग्लैंड की क्रिकेटर है। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का टाइटल मिला बेन स्टॉक्स को, जो इंग्लैंड के क्रिकेटर है। मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का टाइटल मिला बाबर आजम को। वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का टाइटल मिला सेम आपका नेट साइवर को, नेट साइवर को, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मेंस T20, देखिए मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का टाइटल किसे मिला, तो सूर्य कुमार यादव, जो इंडिया के क्रिकेटर है। और वुमेन्स कैटेगरी में बात करें, तो वुमेन्स कैटेगरी में T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है आपका ताहलिया मैग्रॉथ को, ताहलिया मैग्रॉथ को, जो ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर क्रिकेटर है। उसके बाद बात करते हैं मेंस एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मेंस एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये टाइटल मिला है मार्को जेनसिन, जो साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर थे। और वुमेन्स एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है इंडिया की रेणुका सिंह को, ये आपको याद रखना है। और मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, देखिए मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है गारहर्ड एर्नोमस को, जो नामीबिया के है। और वुमेन्स कैटेगरी में बात करें, तो वुमेन्स एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का टाइटल मिला ईसा ओजा, जो इंडिया की। और डेविड सेफर्ड ट्रॉफी, डेविड सेफर्ड ट्रॉफी रिचर्ड इलियरवर्थ को मिला है, जो आपकी इंग्लैंड के है, ये आपको याद रखना। और स्प्रिट ऑफ द क्रिकेटर अवार्ड मिला है आपका आसिफ शेख को, जो नेपाल के क्रिकेटर। तो अलग अलग कैटेगरी में जो आईसीसी है, उन्होंने अलग अलग ट्रॉफी, अलग अलग खिताब, अलग अलग टाइटल अलग अलग क्रिकेटर को दिया है इंटरनेशनल लेवल पर। और ये हर साल दिया जाता है उनके लास्ट ईयर के बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, आपको भूलने नहीं है, सुपर इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे, हाल ही में किस राज्य ने 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया? Which state has celebrated its 53 foundation day on 25 January?
तो आपको बताना है कि 25 जनवरी को जब हम लोग भारत में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट कर रहे थे, इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट कर रहे थे, नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे 25 जनवरी को, है ना, तो बताइए इसी 25 जनवरी को ठीक है कौन सा स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था, फाउंडेशन डे हम लोग सेलिब्रेट किए थे, वो है हिमाचल प्रदेश। मैंने आपको बताया था तो हिमाचल प्रदेश का स्थापना जो हुआ था वो 25 जनवरी 1971 को हुआ था, इसको राज्य का दर्जा मिला और ये इंडिया का 18th नंबर का स्टेट बना था। 25 जनवरी 1971 को इंडिया 18वां राज्य बना था, 18th नंबर का स्टेट बना था, ये आपको याद रखना है ठीक है। ओके, तो हिमाचल प्रदेश अपना फाउंडेशन डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया है, याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग हिमाचल प्रदेश से जुड़े जो भी स्टैटिक जीके है, वैसे तो जब भी हिमाचल प्रदेश का कोई करंट अफेयर आता है तो हम आपको उसका स्टैटिक जीके उसका करंट अफेयर हमेशा रिवाइज कराते रहते हैं, तो हम आज भी रिवाइज करेंगे और तब तक रिवीजन करते रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, क्योंकि जितना हम करंट अफेयर रिवाइज करते जाएंगे उतना वो हमें याद रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है, बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये सब तो स्टैटिक चीजें हैं, साइंस वगैरह स्टैटिक चीजें, उसमें तो कुछ नया है नहीं, वो तो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं जिंदगी भर काम आता है ना, लेकिन करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर दिन कुछ नया 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 चीज देखने को मिलता है। जब तक जिंदगी रहेगी तब तक करंट अफेयर रहेगा, जब तक सृष्टि रहेगी जब तक दुनिया रहेगी तब तक करंट अफेयर रहता है रहेगा। तो अब इस करंट अफेयर को कैसे याद करें, बाजार में तो कोई दवा मिलता नहीं है, कोई गोली तो नहीं मिलता कि खा लें और करंट अफेयर याद हो जाएगा। तो करंट अफेयर याद करने का एक ही रास्ता है, वो है रेगुलर प्रैक्टिस 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 रिविजन, और कोई रास्ता नहीं। तो जब तक हम बैक डेट का करंट अफेयर रिवाइज नहीं करेंगे तब तक करंट अफेयर हम याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए हम आपको डेली बैक डेट का करंट अफेयर भी रिवाइज कराते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का स्टैटिक जीके कवर करते हैं, फिर उससे रिलेटेड करंट अफेयर जानेंगे। ओके, तो ये रहा हिमाचल प्रदेश, आप देख लीजिए मैप में हिमाचल प्रदेश कुछ इस तरह का दिखता है। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल दो है ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का दो कैपिटल है, एक समर कैपिटल है एक विंटर कैपिटल है। तो समर कैपिटल अगर आपसे पूछे कौन है तो शिमला, एस से समर एस से शिमला याद रहेगा, एस से समर और एस से शिमला। और विंटर कैपिटल है धर्मशाला, विंटर कैपिटल कौन है धर्मशाला, ये आपको याद रखना है। और जो आपका क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश है, वो देखिए हिमाचल प्रदेश इंडिया के मैप में यहां पर है, ऊपर यहां पर जम्मू कश्मीर है, इधर लद्दाख है, और ये आपको उसी के नीचे आपका है क्या आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सीमा कितने राज्य को टच करती है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो हिमाचल प्रदेश जो है उसकी सीमा एक देश को टच करती है सिर्फ, वो है चाइना, चाइना से अपना बाउंड्री शेयर करती है हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश जो है उसके कई सारे नेबर स्टेट है, ये भी आपको याद रखना है, कई सारे नेबर स्टेट है, जैसे लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है ठीक है, जम्मू कश्मीर है आपका, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है ठीक है ना, और हरियाणा है ठीक है। तो देखिए कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्टेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश से अपना बाउंड्री शेयर करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश ये 6 स्टेट से अपना बाउंड्री शेयर करती है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा ठीक है। उत्तराखंड के अभी लेटेस्ट सीएम बने हैं कांग्रेस के, वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू, आप जानते हैं उत्तराखंड के, सॉरी उत्तराखंड बोलता हूं, हिमाचल प्रदेश के सीएम बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में तीन दर्रा काफी फेमस है, दो पहाड़ों के बीच जो पतला सा रास्ता होता है जो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ता है, या एक शहर को एक सिटी को दूसरे सिटी से जोड़ता है, कनेक्ट करता है, उसे दर्रा कहते हैं, पास कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में तीन दर्रा काफी फेमस है जो अक्सर एग्जाम में आता है, जैसे एक आता है आपका शिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को तिब्बत से जोड़ता है। उसके बाद आता है एक रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के मनाली को लद्दाख से जोड़ता है। और एक आता है बाड़ा लाचा दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश का लाहौल डिस्ट्रिक्ट को लद्दाख से जोड़ता है ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, शिप किला पास किन्नौर को तिब्बत से जोड़ता है, रोहतांग पास मनाली को लद्दाख से जोड़ता है, और बाड़ा लाचा पास लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। ये पॉइंट्स याद रखना है। और रोहतांग पास में ही आपको मिलेगा एक सुरंग जिसका नाम है अटल सुरंग, पहले इसको रोहतांग सुरंग कहते थे, अब इसको अटल सुरंग कहते हैं, इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। और कुछ फेमस डैम्स है जो आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे, जैसे पोंग डैम पूछेगा एग्जाम में, पोंग डैम कहां है हिमाचल प्रदेश में है, किस नदी पर है, व्यास नदी पर है। और पोंग डैम को ही हम लोग महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से भी जानते हैं,
भाकड़ा नांगल डैम ये कहां पर है? सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डैम। और चमेरा डैम भी हिमाचल प्रदेश में है, रावी नदी पर। ये आपको याद रखना है। कुछ फेमस नेशनल पार्क है जो हिमाचल प्रदेश से पूछे जाते हैं, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली नेशनल पार्क कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। इंदर किला नेशनल पार्क कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। खीर गंगा नेशनल पार्क कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, ये सब हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल है। कुछ फेमस स्टेट फोक डांस है हिमाचल प्रदेश का, लोक नृत्य जो बहुत फेमस है, जैसे नाटी फोक डांस हिमाचल प्रदेश का है, डांगरी फोक डांस हिमाचल प्रदेश का है, छपेली फोक डांस हिमाचल प्रदेश का है। कुछ स्टेट एनिमल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल क्या है बताओ? मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल जो है वो है हिम तेंदुआ। ये तो ये हिंदी में हो गया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्नो लियोपैड। तो स्नो लियोपैड जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है, ये आपको याद रखना है। स्नो लियोपैड ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है, और लद्दाख का भी स्टेट एनिमल है स्नो लियोपैड, याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड का नाम है वेस्टर्न ट्रैगोपैन, याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश का स्टेट ट्री है देवदार का ट्री, इसका ट्री देवदार। और देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है भारत का स्मॉल जो है स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? मिनी स्विट्जरलैंड। तो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का डलहौजी को, किसे? डलहौजी को, याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश के कुछ फेमस प्रोडक्ट ऐसे है जिसको GI टैग मिल चुका है, कौन कौन? जैसे कांगड़ा पेंटिंग ये आपका हिमाचल प्रदेश का, इसको GI टैग मिला था। चंबा हैंडकरचीफ जिसको चंबा रुमाल कहते हैं, उसको GI टैग मिला है। लाहौल के बने हुए मोजे, उसको GI टैग मिला है। दस्ताने, उनको भी GI टैग मिला है। और चंबा स्लीपर्स, चंबा चप्पल को भी GI टैग मिला है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में? 4। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में? 3। और लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में? 68। ये आपको याद रखना है। और देखो दो लेक काफी फेमस है, एक है गोविंद सागर लेक। तो अगर आपसे पूछे गोविंद सागर लेक कहां है तो आप यार राइट आंसर दोगे हिमाचल प्रदेश। लेकिन अगर इसी से मिलता जुलता पूछ दे कि गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक ये कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। तो दो सवाल दो जवाब अलग अलग, गोविंद सागर लेक कहां है तो हिमाचल प्रदेश में है, और गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक कहां है तो वो आपका सोनभद्र यूपी में है। वल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, याद रखिएगा, जो वल्लभ पंत है ये उत्तर प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, इसलिए उनके नाम पर एक लेक्स बनाया गया है, उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, और इसको आर्टिफिशियल लेक भी कहते हैं, कृत्रिम लेक, याद रखिएगा। और देखिए एक फेस्टिवल होता है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, उसका नाम है लोसार फेस्टिवल। वैसे लद्दाख में भी मनाया जाता है और हिमाचल प्रदेश में भी। ये तिब्बतियों का न्यू ईयर का फेस्टिवल है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए ये तो हुआ हिमाचल प्रदेश का स्टैटिक GK। अब थोड़ा हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर भी रिवाइज कर ले फास्ट क्विकली हम लोग। देखिए हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड लास्ट 6 मंथ के सारे करंट अफेयर को हम लोग कवर करते हैं फास्ट तरीके से। देखिए आपको मैंने अभी रिसेंटली पढ़ाया था कि हिमाचल प्रदेश 2025 तक अपने आप को ग्रीन स्टेट बनाने का टारगेट रखता है। हिमाचल प्रदेश 2025 तक अपने आप को ग्रीन स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है, याद रखना है। और इंडिपेंडेंट इंडिया के, स्वतंत्र भारत के पहले जो मतदाता थे, वोटर्स, उसका नाम था श्याम शरण नेकी, उनका डेथ हो गया, वो हिमाचल प्रदेश से ही बिलोंग करते थे। और ई कैबिनेट सिस्टम को लॉन्च करने वाला पहला स्टेट कौन है? तो ई कैबिनेट सिस्टम को लॉन्च करने वाला पहला स्टेट हिमाचल प्रदेश है। हिम केयर योजना, जैसे इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चल रहा ना आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख रुपया तक का कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएगी आपको, ठीक है, हेल्थ सर्विस दिया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट, वो ई कैबिनेट सिस्टम लॉन्च, सॉरी हिम केयर योजना लॉन्च की है। उसका भी यही पर्पस है कि हिमाचल प्रदेश के जो भी किसान भाई है या जो भी नागरिक है, सिटीजन्स है, उनको, और जो BPL परिवार है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उनको फ्री कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी देना 5 लाख रुपया तक का, वो भी ऐसे कैंडिडेट को जिनको आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिल रहा है। और ड्रोन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला स्टेट कौन था? तो हिमाचल प्रदेश था, याद रखना। और हिमाचल प्रदेश इंडिया का पहला स्टेट बना है स्मोग फ्री स्टेट, भारत का पहला स्मोग फ्री स्टेट
भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य जो बना है वो हिमाचल प्रदेश, और 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला स्टेट बना है हिमाचल प्रदेश। 100% घरों में हाउस होल्ड में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला स्टेट बना है हिमाचल प्रदेश, ये आपको याद रखना है। और सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैग योजना, सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैग योजना, इसको हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। और चीफ मिनिस्टर सुखाश्रय सहायता योजना, ये योजना अभी 1 जनवरी 2023 को स्टार्ट हुआ है, 1 जनवरी 2023 को सीएम सुखाश्रय सहायता कोष मैंने पढ़ाया था इसके बारे में। क्या बताया था इसमें? इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो सीएम सुखाश्रय सहायता कोष है, इसमें 100 करोड़ फंड डाला गया है ना। इसका पर्पस क्या है कि जितने भी एमएलए है या मिनिस्टर्स है कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश के, वो सब अपना पहला जो सैलरी आएगा, फर्स्ट सैलरी, उसको इस फंड में डोनेट करेंगे। उस फंड का नाम है सीएम सुखाश्रय सहायता कोष, कोष माने फंड, और इस फंड को गरीबों के वेलफेयर में और जो एजुकेशन मतलब एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको मदद किया जाएगा, पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन में, है ना, इस पैसे को यूज किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। और नारी को नमन योजना, ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया था, जिसका पर्पस था कि जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बस वगैरह, उसमें महिलाओं का हाफ फेयर लगेगा, आधा किराया लगेगा उनके डेस्टिनेशन पर जाने पर, ठीक है। और दालचीनी की संगठित खेती, दालचीनी को एक साथ संगठित खेती शुरू करने वाला जो पहला स्टेट था वो था आपका हिमाचल प्रदेश। और दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो पुलिंग बूथ है वो हिमाचल प्रदेश में है, और कहां पर, तो टसी गंग, ये आपको याद रखना है। और दुनिया का सबसे ऊंचा ई व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के काजा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है उसका इनॉग्रेशन हिमाचल प्रदेश के काजा में हुआ है, याद रखना है। और पहली बार हिंग की खेती, हिंग की खेती कहां पर किया गया, लाहौल में। और मनाली में इंडिया का पहला साइकिलिंग पार्क भी ओपन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और दो एक्सरसाइज अभी हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, एक वज्र प्रहार, ठीक है, तो वज्र प्रहार एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के आर्मी के बीच हुआ था बकलोह डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश का, और एक खंजर एक्सरसाइज जो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच हुआ था बकलोह डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। तो ये सारे करेंट अफेयर हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, वो मैंने आपको अच्छे से रिवाइज करा दिया, ओके। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बताइए हाल ही में किस राज्य में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इन विच स्टेट द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड। तो उत्तर भारत का मतलब नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर जो प्रोजेक्ट है वो कहां पर इनॉग्रेट किया गया, तो चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ आपको पता है, हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है, पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ खुद में एक यूनियन टेरिटरीज भी है, ठीक है। तो उत्तर भारत का नॉर्थ इंडिया का, ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है वो आपका इनॉग्रेट किया गया, वो आपका चंडीगढ़ में, ये आपको याद रखना है। तो चंडीगढ़ जो राज्य है उसमें उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। और कितना कैपेसिटी है इसकी, तो 2000 किलोवाट कैपेसिटी है इसका पावर जनरेट करने का, 2000 किलोवाट पावर, ये आपको याद रखना है डियर एवरीवन, ओके। और आपको पता है इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया, तो ये जो नॉर्थ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट सबसे बिगेस्ट जो फ्लोटिंग सोलर जो प्रोजेक्ट है इसका जो उद्घाटन है, इसका जो इनॉग्रेशन है वो किया गया है, तो चंडीगढ़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर या हम लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बोल सकते हैं, है ना, तो वो कौन है, बनवारी लाल पुरोहित, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया, ये पॉइंट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता कुछ और भी न्यूज है, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये कहां पर सेटअप होगा, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये कहां पर सेटअप होगा, तो ये सेटअप होगा मध्य प्रदेश का एमपी का खंडवा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, और कितना, 600 मेगावाट कैपेसिटी के साथ। तो याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा
वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है ये सेटअप कहां पर होगा, तो मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा, और 600 मेगावाट कैपेसिटी के साथ नर्मदा नदी पर, ठीक है, याद रखिएगा नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर पर, और किस डैम्स में, तो ओंकारेश्वर डैम में, ओंकारेश्वर डैम ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता अगर आपसे कोई पूछे कि हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी जो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये इंडिया का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये कहां पर सेटअप किया, तो तेलंगाना में, और तेलंगाना में कौन सा जगह, रामागुंडम, तो तेलंगाना के रामागुंडम में एनटीपीसी जो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ये इंडिया का सबसे बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सेटअप किया है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा ये बताइए, भारत का पहला सोलर एनर्जी से ऑपरेट होने वाला विलेज कौन बना है, कई बार मैंने आपको पढ़ाया था और 26 जनवरी में इसकी झांकी भी निकली थी, जो रिपब्लिक डे हुआ था उसमें इसकी झांकी भी निकली थी, इस गांव का झांकी भी निकला था, ठीक है। तो भारत का पहला जो सोलर एनर्जी से ऑपरेटेड विलेज बना है वह है गुजरात का मुंडेरा, पढ़ाया मैंने कई बार, गुजरात का जो मुंडेरा गांव है, मुंडेरा गांव पढ़ाया ना कई बार हमने आपको, रिवाइज कराया है, तो गुजरात का जो मुंडेरा गांव है ये इंडिया का फर्स्ट सोलर एनर्जी से ऑपरेट होने वाला विलेज बन चुका है, और इसकी झांकी भी प्रस्तुत की गई थी इस बार रिपब्लिक डे पर, याद रखिएगा। अच्छा, भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम, इसका इनॉग्रेशन कहां पर किया गया, गुजरात के गांधीनगर, इंडिया का फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफ टॉप सिस्टम ये कहां पर इनॉग्रेट किया गया, तो गुजरात के गांधीनगर। और कौन सा देश अपने स्टेट में एक बिल पास किया है कि वो 2025 के बाद, 2025 के बाद जितने भी घर है, मकान है, ठीक है, वहां पर सभी घर मकान में सोलर पैनल लगाना एकदम कंपलसरी हो गया है, तो ये प्रस्ताव पारित किया है जापान। तो जापान की कैपिटल जो टोकियो है ना, तो जापान की कैपिटल जो टोकियो है उसके लिए स्पेशल ये नियम लाया गया है जापान के अंदर, वहां की सरकार अपने पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव पारित की है, रिजोल्यूशन पास किया गया है कि 2025 से या 2025 के बाद से जितने भी टोकियो के अंदर, जापान की कैपिटल जो टोकियो है, वहां पर जो भी घर है, मकान है, वहां पर सोलर पैनल लगाना अपने छत पर अनिवार्य है, कंपलसरी है, ऐसा जापान ने किया है, क्लियर, ये आपको याद रखना है। और सोलर एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी, जिसको हम लोग हाइब्रिड एनर्जी कहते हैं, हाइब्रिड एनर्जी का मतलब दो एनर्जी का मिक्सचर, उसको हाइब्रिड एनर्जी कहते हैं। तो सोलर एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी, उनसे ऑपरेट होने वाला इंडिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना है, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपको याद रखना। तो इंडिया का जो दिल्ली में सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सोलर एनर्जी और हाइब्रिड एनर्जी दोनों से ऑपरेट होने वाला इंडिया का पहला एयरपोर्ट बना है। और अडानी ग्रीन जो है, अडानी ग्रुप की एक सब्सिडियरी कंपनी है अडानी ग्रीन, तो अडानी ग्रीन ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा विंड एनर्जी पावर प्लांट ये कहां पर सेटअप किया, तो राजस्थान के जैसलमेर में, याद रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट। तो गौतम अडानी जी की जो एक सब्सिडियरी कंपनी है अडानी ग्रीन, उन्होंने वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट, सबसे लार्जेस्ट विंड एनर्जी पावर प्लांट ये सेटअप किया है राजस्थान के जैसलमेर में, याद रखिएगा। और सोलर एनर्जी से ऑपरेट होने वाला वर्ल्ड का सबसे पहला एयरपोर्ट कौन बना, तो सोलर एनर्जी से ऑपरेट होने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल में। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, भगत सिंह के नाम पर कर दिया गया। और इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर ये कहां पर बनेगा, चंडीगढ़ में, इंडियन एयरफोर्स अपना हेरिटेज सेंटर ये कहां पर सेटअप करेगा, चंडीगढ़ में, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, तो वर्ष 2020 में जैविक खेती के विस्तार में भारत किस स्थान पर रहा है, तो वेयर इज द इंडिया इन द एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द ईयर 2020। तो 2020 के आंकड़ों के अनुसार ये रिपोर्ट जारी किया गया है कि भारत जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के मामले में, मतलब जैविक खेती के मामले में, जैविक खेती का मतलब जहां हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं, डीएनपी, सुपर फास्फेट, ठीक है ना, तो ये सब जो रासायनिक खाद है, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किए बिना जो खेती होती है उसको जैविक खेती कहते हैं, जहां पर हम ज्यादा से ज्यादा नेचुरल तरीके से खेती करते हैं, गोबर के खाद वगैरह से खेती वगैरह करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम लोग जैविक खेती कहते हैं, जहां नेचुरल तरीके से खेती हो रहा है, वहां किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया जा रहा है, रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो उसी को कहते हैं जैविक खेती। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के मामले में इंडिया कितने नंबर पे है, तो इंडिया थर्ड नंबर पे है। तो 2020 के अनुसार ऑर्गेनिक फार्मिंग
के मामले में इंडिया तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो आप बोलेंगे पहला कौन ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक खेती होती है, तो वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका का एक देश है, अर्जेंटीना। ठीक है, और दो नंबर पे है उरुग्वे, ये भी साउथ अमेरिका का ही एक देश है, उरुग्वे। और तीन नंबर पे है आपका इंडिया, भारत, ये आपको याद रखना। अच्छा, इसी से रिलेटेड अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ 100% ऑर्गेनिक खेती का दर्जा पाने वाला इंडिया का पहला यूनियन टेरिटरीज कौन है, अब स्टेट से पूछा जा रहा है, 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग, 100% जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ठीक है, उसका दर्जा पाने वाला इंडिया का पहला यूनियन टेरिटरीज कौन है, तो वह है लक्षद्वीप, याद रखिएगा। और लक्षद्वीप है ना, तो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग की खेती करने वाला इंडिया का पहला यूनियन टेरिटरी बना है लक्षद्वीप। और इसी को घुमाकर पूछे कि 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन बना, तो वो है आपका सिक्किम। सिक्किम ये तो 2016 में ही डिक्लेयर हो गया था, 2016 में ही। तो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला, जैविक खेती करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बना है सिक्किम, और यूनियन टेरिटरीज में बना है लद्दाख, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं। अच्छा बताओ, इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है, देश का पहला बायो विलेज कौन बना है, बताओ, इंडिया का फर्स्ट बायो विलेज, तो भारत का पहला बायो विलेज ये कौन सा बना है, वो बायो विलेज का नाम क्या है, क्या है, तो इंडिया का फर्स्ट बायो विलेज कौन बना है, तो वो बना है दसपारा। कौन बना है? दसपारा। अब आप बोलेंगे सर ये दसपारा विलेज ये किसी स्टेट में है, तो ये है त्रिपुरा में, तो पूर्वोत्तर राज्य है ना हमारा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट त्रिपुरा, जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है कि नहीं, पढ़ते हैं इसके बारे में हम लोग, है ना। तो देश का पहला, इंडिया का फर्स्ट बायो विलेज जो वाला जो स्टेट बना है वो त्रिपुरा बना है, और त्रिपुरा का कौन सा गांव, तो दसपारा गांव, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, तो हाल ही में अमूल कंपनी जो है, अमूल का आप लोग दूध पीते होंगे, अमूल का लस्सी आप लोग पीते होंगे, आसपास के दुकानों में आपको अमूल का दूध आप लोग खरीदते होंगे, है ना, दही वगैरह खरीदते होंगे, तो डेयरी प्रोडक्ट बनाती है ये अमूल। तो अमूल कंपनी का भी नया चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो हु वाज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ अमूल, तो अमूल कंपनी के जो अभी नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है श्यामला भाई बी पटेल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो श्यामला भाई बी पटेल, श्यामल भाई बी पटेल, याद रखिएगा, भूलना नहीं है आपको। तो श्यामल भाई बी पटेल जो है ये आपके अमूल कंपनी के क्या बने हैं, नए चेयरमैन बने हैं, याद रखिएगा। चलो, अमूल आप बहुत इसका प्रोडक्ट खरीदते होंगे, ऐसा कोई घर नहीं है जहां अमूल का दूध यूज ना किया जाता हो, ठीक है ना, अमूल का दूध, अमूल का लस्सी, अमूल का आइसक्रीम, आजकल तो अमूल बहुत सारा डेयरी प्रोडक्ट बनाने लगी है, वो आप यूज करते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बताओ अमूल कंपनी की पेरेंट कंपनी कौन सी है, अच्छा मतलब अमूल कंपनी की पेरेंट कंपनी कौन सी है, पेरेंट का मतलब होता है ऑनर कंपनी, उसके अंदर आता है अमूल, तो अमूल। जैसे आपसे कोई पूछे कि बताओ पेटीएम जो है इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है, तो क्या बोलोगे, पेटीएम? नहीं, पेरेंट कंपनी पेटीएम की है 197 कम्युनिकेशन। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा टेक्निकल, तो आपको भी अभी से टेक्निकल बनना पड़ेगा, आपको अपना तैयारी हमेशा और उससे अलग रखना पड़ेगा, थोड़ा डीपली जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो ध्यान से देख लो। तो जैसे पेटीएम का पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, आपसे पूछे कि बताओ फोन पे आप लोग करते होंगे, फोन पे की पेरेंट कंपनी कौन सी है, तो फ्लिपकार्ट। अरे सर ये तो हमें पता ही नहीं था, हाँ फ्लिपकार्ट की ही पेरेंट कंपनी, मतलब कि फोन पे की ही पेरेंट कंपनी है फ्लिपकार्ट, यानी कि फ्लिपकार्ट का ही फोन पे है, हाँ ये आपको याद रखना है, ओके, हाँ बिल्कुल, है ना। और पूछे कि गूगल का पेरेंट कंपनी कौन है, तो अल्फाबेट। फिर पूछेगा गूगल पे करते हैं, उसका भी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट डॉट इंक, आपको पता होगा। तो उसी प्रकार यहां से हम पूछ रहे हैं आपसे सवाल कि अमूल, चलो अमूल कंपनी के नए चेयरमैन बने आपके श्यामल भाई बी पटेल, ये सही, लेकिन अमूल कंपनी का पेरेंट कंपनी कौन सा, कोई बताएगा हमें, अमूल कंपनी का पेरेंट कंपनी कौन सी है, सुपर इंपॉर्टेंट। देखो तो देखो यहां पर कोई जवाब नहीं आया, इसका मतलब वाकई किसी को जानकारी नहीं है, तो ध्यान से सुन लो अमूल कंपनी की पेरेंट कंपनी कौन सी है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म पहले हम आपको बताते हैं फिर फुल फॉर्म बताएंगे, GCMMF, ये इसकी पेरेंट कंपनी है, ये गुजरात में है। क्या नाम है इसका? GCMMF, इसका फुल फॉर्म सर, इसका फुल फॉर्म है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन।
गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केट फेडरेशन, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। तो ये एक कंपनी है GCMMF, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है। और इसी की पेरेंट कंपनी है आपका अमूल, सुपर इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत लोगों को आज पता चला होगा। अच्छा कितने लोगों को आज पता चला है, दिल से बताओ यस करके। जिन लोगों को आज पता चला हो यस करो, और जिन लोगों को पता है वो नो करो। चलो तो अच्छा है, यही तो बात है। मेरे करंट अफेयर की खास बात यही कि आपको नया नया चीज जानने को सीखने को मिलेगा, है ना। चलो चलो तो यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना। अच्छा ये बताओ हमारे देश में जो डेयरी इंडस्ट्री है, डेयरी हमारे देश में जो डेयरी इंडस्ट्री है, जितने भी दूध बनाने वाली अलग अलग कंपनियां, आजकल तो बहुत सारी कंपनियां अलग अलग लोकल प्रोडक्ट, लोकल कंपनियां भी दूध बनाने लगी है, वो अलग बात है, लेकिन अमूल तो भाई ब्रांड है ना। तो डेयरी इंडस्ट्री जो है उसको रेगुलेट कौन करता है हमारे देश में, ये बताओ। हमारे देश में डेयरी इंडस्ट्री को कौन रेगुलेट करता है, डेयरी इंडस्ट्री को रेगुलेट कौन करता है ये बताओ। तो हमारे देश में डेयरी इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। एक बार एग्जाम में पता है क्वेश्चन आया था कि हमारे देश में डेयरी इंडस्ट्री को कौन रेगुलेट करता है, पता है बहुत सारे कैंडिडेट की इस ऑप्शन पर टिक लगाए, बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो टिक लगा दिए FSSAI नहीं, फूड इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है FSSAI, जो फूड प्रोडक्ट है उसकी गुणवत्ता को जांचता है, उसके क्वालिटी को जांचता है FSSAI, उसको रेगुलेट करता है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन मिल्क इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है कौन, NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये आपको याद रखना है, ओके। और हमारे देश में जो डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है, तो डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर है ये बताओ, तो हरियाणा में है, करनाल, हरियाणा का करनाल यहां पर डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ओके, ये आपको याद रखना है। और चलो अब बाकी ऑप्शन भी देख लें फटाफट। देखो नेक्स्ट ऑप्शन है सुंदर रमन राम मूर्ति से रिलेटेड मैंने आपको करेंट अफेयर पढ़ाया था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका चेयरमैन बनाया गया था सुंदर रमन राम मूर्ति को। और विनय प्रकाश सिंह से रिलेटेड भी हमने जनवरी में एक करेंट अफेयर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, विनय प्रकाश सिंह से रिलेटेड करेंट अफेयर। तो विनय प्रकाश सिंह जो है इससे रिलेटेड हमने करेंट अफेयर पढ़ा था कि एशियन पोस्टल यूनियन के सेक्रेटरी बने, एशियन पोस्टल यूनियन जिसका हेडक्वार्टर है बैंकॉक, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक वहां पर है, तो एशियन पोस्टल जो यूनियन है ठीक है उसके सेक्रेटरी बने हैं आपके विनय प्रकाश सिंह, या हम इसको एशियन पोस्टल फेडरेशन भी बोल सकते हैं, यूनियन भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, तो वो है विनय प्रकाश सिंह। और विक्रम देवदत्त इससे रिलेटेड भी मैंने अभी करेंट अफेयर पढ़ा था 3-4 दिन पहले कि जो आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन उसके चेयरमैन बने हैं विक्रम देवदत्त। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए चेयरमैन बने हैं, हेड बने हैं विक्रम देवदत्त, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है ठीक है। चलो जाते जाते एक सवाल है, आप हमको कमेंट करके बताओ, भारत का पहला दूध गांव कौन बना है, इंडिया का पहला मिल्क विलेज कौन बना है, जल्दी बताओ, कई बार हम आपको रिवाइज कराया है इसके बारे में, भारत का पहला दूध गांव कौन बना है, मिल्क विलेज ऑफ इंडिया कौन डिक्लेयर हुआ है, जल्दी बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं तब तक, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि किसने गणतंत्र दिवस 2023 में पहली बार झांकी दिखाई, बताइए किसने गणतंत्र दिवस में पहली बार अपना झांकी दिखाया है, बताइए। चलिए आंसर आना शुरू हो गया, मेघा शर्मा कह रही है जेरी गांव, अनामिका भी जेरी गांव, हाँ जेरी गांव कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में जो जेरी गांव है, जे से जम्मू कश्मीर और जे से जेरी, तो जम्मू जो है वहां पर जेरी गांव है, ये इंडिया का फर्स्ट मिल्क विलेज बना है, वेरी गुड फैंटेस्टिक, आप सबको बहुत बढ़िया आंसर दिए है, मुकेश जी, पूजा जी, ईशान जी, दीपक जी, अर्पण जी, चेतक जी, अनामिका जी, सोनू जी, बहुत बढ़िया, मुकेश जी सब बहुत अच्छा आंसर दिया आप लोग, वेरी गुड, और जिनका नाम नहीं लिए उन लोग को भी वेरी गुड। चलो तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि हर साल रिपब्लिक डे पे झांकियां निकाली जाती है, शक्ति प्रदर्शन किया जाता है राजपथ पर जिसका नाम अब कर्तव्य पथ हो गया है ठीक है। तो उसी से रिलेटेड एक न्यूज है, बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज है कि इस बार जो है कौन सा ऐसा झांकी है जो पहली बार निकाला गया है, किसके द्वारा एक झांकी पहली बार निकाला गया है, तो NCB के द्वारा, NCB का फुल फॉर्म होता है आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो हमारे देश के अंदर नशीले पदार्थ को कंट्रोल करने में काम अपना भूमिका निभाती है। तो देखिए उसका झांकी आप देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छा झांकी निकला था ये, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो,
उनके द्वारा पहली बार इस बार 2023 के रिपब्लिक डे पर झांकी निकाला गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ ओके, ये पॉइंट्स याद रखना। और झांकी को टेब्ल्यू कहते हैं इंग्लिश में, देखिए झांकी को इंग्लिश में टेब्ल्यू कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इसने पहली बार अपना झांकी निकाला था इस बार रिपब्लिक डे पर। अच्छा ये तो चलो पहली बार हुआ है, बताओ इस बार रिपब्लिक डे में और क्या क्या चीज पहली बार हुआ है, रिपब्लिक डे में और क्या क्या चीज पहली बार हुआ है, आइए हम आपको थोड़ा रिवाइज कराते हैं। देखिए रिपब्लिक डे में इस बार क्या क्या पहली बार हुआ है, सबसे पहला ये पहली बार हुआ है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बार ये हुआ इस बार रिपब्लिक डे में कि हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, ये पहली बार झंडा फहराई रिपब्लिक डे के मौके पर, क्योंकि इस बार इनका पहला मौका था इनको झंडा फहराने का, क्योंकि आपको पता है कि इंडिपेंडेंस डे में झंडा फहराते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये नियम है, और रिपब्लिक डे में झंडा फहराते हैं कौन, आपके क्या नाम है वो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी, ठीक है ना। तो आपसे ये पूछा जा रहा है यहां पर कि इस बार पहली बार क्या क्या रिपब्लिक डे पे हुआ है, तो पहली बार हुआ है कि जो द्रौपदी मुर्मू जी है, जो हमारी देश की 15th नंबर की प्रेसिडेंट है और फर्स्ट वॉमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने पहली बार रिपब्लिक डे पर झंडा फहराया, ये पहली बार हुआ। दूसरा बार ये हुआ कि उसके बाद क्या क्या पहली हुआ, इतिहास में पहली बार इजिप्ट के प्रेसिडेंट भारत में प्राइम मिनिस्टर बन के आए, इजिप्ट के प्रेसिडेंट पहली बार इतिहास में प्राइम मिनिस्टर बन के चीफ गेस्ट बन के आए, सॉरी इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम था अब्दुल फताह अल सिसी, तो अब्दुल फताह अल सिसी जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है वो इतिहास में पहली बार चीफ गेस्ट बन के आए। उसके बाद और जो इजिप्ट की सेना है वो भी आई थी, इजिप्ट की सेना भी परेड की थी, आप देखे होंगे, अगर आप शुरू से लास्ट तक पूरा परेड देखे होंगे, झांकी देखे होंगे, तो इजिप्ट की सेना भी भाग ली थी, वो परेड की थी, ठीक है, इजिप्ट की सेना भी आई थी। और अग्निवीर भी परेड की, अग्निवीर जो है वो भी इस बार परेड का हिस्सा बने थे अग्निवीर। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसकी जो महिला सवार ऊंट टुकड़ी है, महिला सवार ऊंट टुकड़ी बीएसएफ के पास ही है सिर्फ, तो बीएसएफ की जो महिला सवार ऊंट टुकड़ी है वो भी इसमें हिस्सा ली थी, ये भी आपको याद रखना है ना। तो बीएसएफ की जो महिला सवार ऊंट टुकड़ी है वो भी इसमें हिस्सा ली थी, है ना। और कर्तव्य पथ पे पहली बार ये आपका झांकिया वगैरह निकला, शक्ति प्रदर्शन हुआ है, तो इसको तो पहले हम लोग कर्तव्य पथ को राजपथ कहते थे, लेकिन कर्तव्य पथ के नाम पर जो झांकी वगैरह निकला है वो इस बार पहली बार निकला है, और शक्ति प्रदर्शन पहली बार हुआ है ना रिपब्लिक डे पर। और उसके बाद नेवी, हाँ ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये भी पहली बार हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट। तो जो नेवी है, नेवी तो नेवी का जो एक फाइटर प्लेन था जिसका नाम था IL-38, ये इंडियन नेवी का एक फाइटर प्लेन है जो पहली बार और आखिरी बार इस परेड में शामिल हुआ, पहली बार भी शामिल हुआ है और आखिरी बार भी शामिल हुआ है, उसके बाद फिर शामिल नहीं होगा। तो नेवी का IL-38 जो फाइटर प्लेन है उसको पहली बार और आखिरी बार इस परेड में शामिल किया गया। और क्या पहली बार हुआ, चलो और क्या पहली बार हुआ वो हम आपको बताते हैं। पहली बार ये भी हुआ है कि आपको पता है ना कि 1 फरवरी को बजट पेश होता है, और 1 फरवरी को बजट पेश होने से 1-2 दिन पहले हलवा खिलाया जाता है। हलवा, जो भी बजट तैयार करने वाले जो बजट को तैयार करते हैं, वो सभी कर्मी, वो सभी इंप्लॉइज, वो सभी कर्मचारी जो बजट तैयार करते हैं उनको हलवा खिलाया जाता है। तो हलवा एक रसम होती है, कोई भी शुभ काम करने से पहले मुंह मीठा कराते हैं। अब मान लो आपकी जॉब लग जाएगी तो आप तो मुंह मीठा कराएंगे चंदन सर को और अपने फैमिली को, तो उसी प्रकार जो बजट है, बजट पेश होने से पहले हलवा जो है वो जो निर्मला सीतारमण जी, मतलब जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर है, वो हलवा खिलाते हैं। तो इस बार हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी है, तो वो सबको हलवा खिलाई थी, ठीक है। तो हलवा खिलाने का रसम हमेशा बजट से एक दिन पहले होता है, बजट से एक दिन पहले होता है, लेकिन इतिहास में पहली बार हुआ है कि रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी को हलवा खिलाया गया है। रिपब्लिक डे के दिन हलवा खिलाया गया, मतलब बजट का हलवा उसको कहते हैं, बजट का हलवा जो है वो एक दिन पहले, मतलब रिपब्लिक डे पर ही खिलाया गया है, जो पहले बजट से पहले खिलाया जाता था, है ना, बजट पेश होने से पहले खिलाया जाता था, लेकिन इस बार इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो बजट का हलवा है वो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पर खिलाया गया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और एक चीज और आप सुने होंगे कि रिपब्लिक डे पर पहली बार ऐसा हुआ है कि रिपब्लिक डे में जो फ्रंट चेयर है, फ्रंट चेयर, वो फ्रंट चेयर पर रेहड़ी पटरी वाले लोग को बैठाया गया था, ठीक है।
है ना, तो फ्रंट चेयर पर एकदम रेहड़ी पटरी वाले को बैठाया गया था, जो गरीब लोग हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो सड़क के किनारे ठेला वगैरह लगाते हैं, है ना, तो उन लोगों को इस बार फ्रंट डेस्क पर बैठाया गया था, फ्रंट चेयर पर बैठाया गया था, है ना, जबकि पहले वीआईपी लोगों को बैठाया जाता था, है ना। इस बार कुछ नया हुआ है कि जो गरीब तबके लोग है, रेहड़ी पटरी वाले हैं, ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, फेरी वाले हैं, उसको इस बार एकदम मतलब कि एकदम फ्रंट चेयर पर बैठाया गया। ये भी आपको याद रखना है। तो ये सब चीज पहली बार हुआ है इस बार रिपब्लिक डे में, तो ये पॉइंट्स याद रखना है। अच्छा, एक चीज और आपको बताते हैं, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, और पहली बार हम लोग रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किए थे, 26 जनवरी 1950 को। अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम में कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए या कोई आपसे पूछे कि 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जब इंडिया में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हम लोग कर रहे थे पहली बार, तो उस समय किस देश के प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट बन के आए थे, बताओ, किस देश के प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट बन के आए थे पहली बार 26 जनवरी 1950 को किस देश के प्रेसिडेंट पहली बार हमारे देश में चीफ गेस्ट बन के आए थे, तो याद रखिएगा वो आए थे इंडोनेशिया। मैंने आपको बताया भी था रिपब्लिक डे के अवसर पर, तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे उसका नाम था सिकुर्नो, क्या नाम था, सुकर्नो, तो याद रखिएगा सुकर्नो जो है वो आपके उस समय 1950 में आपके इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, तो उनको एज अ चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, ये आपको याद रखना है। और पहली बार जो रिपब्लिक डे का परेड हुआ था, परेड मतलब 26 जनवरी 1950 को जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था और उसका जो परेड वगैरह हुआ था वो पता है कहां पर हुआ था, वो हुआ था इरविन स्टेडियम दिल्ली में, जिसका नाम बदलकर अभी हो गया है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। तो 26 जनवरी 1950 को जब हम पहली बार रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे थे तो वो कहां पर सेलिब्रेट किए, उसका आयोजन कहां पर हुआ था, इरविन स्टेडियम, जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम हो गया है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। और पहला रिपब्लिक डे पर झंडा कौन फहराए थे, तो हमारे देश के प्रेसिडेंट उस समय थे 26 जनवरी 1950 को कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, तो वो रिपब्लिक डे पर झंडा फहराए थे, फ्लैग होस्टिंग किए थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है डियर एवरीवन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डियर एवरीवन। तो इसी रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर आपके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है कि अगर आप कोई भी बैंकिंग का कोर्स बाय करना चाहते हैं या FCI का कोर्स बाय करना चाहते हैं सेकंड फेज के लिए, आधार द फाउंडेशन बैच जो हमने बैंकिंग के लिए स्टार्ट किया है, LIC AA ADO, कोई भी आप बैंकिंग का कोर्स बाय करना चाहते हैं, तो आप इंडिया 70 कूपन कोड अप्लाई करके 70% डिस्काउंट के साथ एकदम नॉमिनल फी पेमेंट करके आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। इंडिया 70 कूपन कोड अप्लाई करके एकदम नॉमिनल फीस 299 रुपीज में आप FCI का प्रिपरेशन कर सकते हैं मेंस लेवल का, है ना, 525 रुपीज में आप LIC AA का तैयारी कर सकते हैं, वो भी केवल फिनेंशियल अवेयरनेस। अगर आप LIC AA का पूरा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK GS सब पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए 1125 में कोर्स बाय कर सकते हैं। RBI असिस्टेंट का तैयारी आप 1125 में कर सकते हैं। तो बहुत आपको बेसिक से पूरा बैंकिंग का प्रिपरेशन, FCI का प्रिपरेशन यहां पर कराया जाएगा, और FCI में तो पूरा मेंस लेवल का कंटेंट आपको चैप्टर वाइज कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो नॉमिनल फीस पेमेंट करके इंडिया 70 कूपन कोड अप्लाई करके आप 70% का डिस्काउंट पा सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट अभी तक एग्जामपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए प्ले स्टोर से, वो डाउनलोड कर ले। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में, थैंक यू। और आज 2 बजे मेरा मैराथन क्लास है FCI के GK GS का, आप लोग जरूर उसको अटेंड करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आप सबको, बेस्ट ऑफ लक।